नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, खबर है कि सीबीएसई ने इस साल अक्टूबर के महीने में ही सैंपल पेपर अपलोड कर दिए। बच्चों, 2021 के लिए आपके सभी विषयों के सैंपल पेपर आ चुके हैं 9 तारीख को, यानी कल, जब सीबीएसई ने कंपार्टमेंट 2020 का रिजल्ट निकाला तो साइमल्टेनियसली उसके साथ ही कंपार्टमेंट पेपर के उन्होंने सॉल्यूशन भी अपलोड किए हैं, मार्किंग स्कीम जिसको हम कहते हैं, जिससे कि वो बच्चे जिनको कोई डाउट है उसमें कि अपनी कॉपी में कि नंबर कंपार्टमेंट में सही नहीं आए हों, तो वो उससे मार्किंग स्कीम से चेक कर लें और अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें। और साइमल्टेनियसली 2021 में जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है उसके लिए सैम्पल पेपर इशू कर दिए हैं। पर्टिकुलर अभी मैंने फिजिक्स का पेपर देखा है और उन्होंने एक पैटर्न में ये चेंज किया है कि लास्ट ईयर जैसा केमिस्ट्री का पेपर था, यानी असर्शन, रीजन और पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, वो उठाकर फिजिक्स में डाल दिए। तो फिजिक्स का इस बार का पेपर थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंट है, तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीक में बच्चों। तो ये सभी सब्जेक्ट्स के पेपर जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे आपको नेक्स्ट वीक में मेरी वेबसाइट physicsgyan.com पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके जो फीचर्स वगैरह है वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।